वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लोन जॉब चैनल को और पाइए रोजाना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न। सो पार्ट सेकंड है ये हमारा केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का। केमिस्ट्री के क्वेश्चन हम कर रहे थे डिस्कस, तो चलिए शुरू करते पार्ट टू का पहला क्वेश्चन। एक तत्व के परमाणु के बॉटम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यदि एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यक संख्या स्वीकार करके उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करता है, तब निर्मित होने वाले आयन पर क्या आवेश होगा। समझिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। एक तत्व के परमाणु के बॉटम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यदि एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यक संख्या स्वीकार करके उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करता है, तब निर्मित होने वाले आयन पर क्या आवेश होगा। ऑप्शन आपके सामने हाजिर है, -1, -2, +1 या फिर +2, बताइए। सो सिंपल, -1 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिया गया है कि CCl4 का घनत्व 1.5 ग्राम सीसी है, तो CCl4 का आयतन क्या होगा, जिसमें क्लोरीन के 2×10^25 परमाणु होते हैं, बताइए। 3,407 या 851.75 या नेक्स्ट है आपका सीसीज का मात्रक है 13,628 या फिर 860.8 सीसी, बताइए। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 851.75, ठीक है, सीसी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो जाएगी, देखो कुछ क्वेश्चन हार्ड भी है, कुछ क्वेश्चन इजी भी है, कुछ क्वेश्चन मीडियम यानी कि मध्यम टाइप के भी है, ठीक है, क्वेश्चन सारे आते हैं आपके। धूमकेतु की पूंछ किसके कारण दिखाई देती है, टेल ऑफ कमेट इज विजिबल ड्यू टू कोगुलेशन यानी कि स्कंदन, टिंडन प्रभाव या फिर पेप्टाइजेशन या फिर ब्राउनिंग थी। धूमकेतु की पूंछ आकाश में आपने तो नहीं देखी होगी क्योंकि बहुत ही सालों बाद दिखाई देती है, तो ये किसके कारण दिखाई देती है। सिंपल, टिंडन प्रभाव के कारण, ठीक है। देखो कोई भी घटना किसी कारण से होती है प्रकृति में, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे हो रहा है, ठीक है, जैसे इंद्रधनुष बनता है वो भी किसी न किसी कारण से बनता है, परावर्तन अपवर्तन सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है तो आप समझ गए होंगे। जैसे आपको ने देखा होगा बहुत सी बार, काफ़ी सारी घटना है, कोई भी वस्तु अगर पानी में पड़ी हुई तो मुड़ी हुई दिखाई देती है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा प्रकाश वाला तो सब पता है आपको गाइस, एजुकेटेड हो आप। देखो 17 में कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित है, पूछ लेना बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाउ मैनी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन 17, यहाँ पर आपको संख्या बतानी गई इसकी कितनी है, प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन की। ऑप्शन आपके सामने चारों के चारों ऑप्शन हाजिर है, 17, 17, 20, 20, 17, 17 या फिर 17, 20, 17, ये आपके सामने हाजिर है, तो बताओ ईमानदारी से टिक लगाओ गाइस, टाइम बहुत कम है आपके पास, वो टाइम का मैनेजमेंट अच्छे से करना होता है एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है, आप जो देने जा रहे हो एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है बनता है आपके। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 17, 17, 20, ठीक है। चलो आगे देखो गाइस, किसी भी क्वेश्चन में आपको शिकायत लगे, समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट कर देना, ठीक है, और कुछ ज़्यादा ही क्लियर करवाना हो तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, लिंक हमने दिया हुआ है हमारी फेसबुक इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में। ताम्र ग्लांस CO2S क्यूप्रस ऑक्साइड में प्रक्रिया द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, निस्तापन, हाइड्रोजन प्रजन, निर्जलीकरण। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वर्जन, ठीक है,
रोशनी। चलो आगे, यदि पदार्थ के निर्माण के दौरान ऊर्जा दी जाती है या अवशोषित होती है तो वह होगा इफ एनर्जी इज गिवन आउट ऑफ अबर्सोर ड्रिंग द प्रेपरेशन ऑफ ए सब्सटेंस इट विल बी केवल एक मिश्रण, केवल एक यौगिक, केवल एक अणु, उपयोग सभी। राइट ऑप्शन इज उपयोग सभी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, संक्रमण धातुओं की विशेषताओं में से कौन सी एक उच्च उत्प्रेरक गतिविधि से संबंधित है? विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांसफ्यूजन मेटल एसोसिएट विथ हायर कैटालिस्टिक एक्टिविटी? कणन की उच्च एंथैल्पी, अनुचुंबकीय व्यवहार, हाइड्रेट आयनों का रंग या फिर चर ऑक्सीकरण अवस्थाएं। राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस आपका चर ऑक्सीकरण अवस्थाएं। क्वेश्चन मिलते रहेंगे आप लग के लाइक अच्छे अच्छे जो मिल रहे हैं हमको, तो क्वेश्चन भी हम आपको लिए बनाते रहेंगे। एक परमाणु के आवेश बादल यानी कि चार्ज क्लाउड गति की व्याख्या करते हैं। चार्ज क्लाउड ऑफ एटम इलस्ट्रेट द मोशन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, बताइए। इजी क्वेश्चन भी कभी कभी हार्ड लगने लग जाते हैं अगर कोई एकदम से पूछ लिया जाए तो, राइट, सभी के साथ होता है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जल का एक नमूना सामान्य तापमान एवं दाब पर 104 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, इसका हिमांक बिंदु होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री से कम, 0 डिग्री से अधिक, या तो 0 डिग्री पर या फिर 0 डिग्री से अधिक। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 0 डिग्री से कम। अगला क्वेश्चन, यदि 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 78 सेंटीमीटर दाब पर सेल टू अणुओं का वर्ग माध्य मूल 316.52 मीटर पर सेकंड है तो समान परिस्थिति में इसका औसत वेग क्या होगा? ईमानदार से आप रफ पेज का सहारा ले सकते हो, रफ पेज में थोड़ा पेन चलाना सीखो और फिर आप आंसर मैच करवा सकते हो। आपके सामने हाजिर है चारों के चारों ऑप्शन, तभी तो आपका माइंड एक्टिव होगा, कुछ पक्षंस करने के लिए, कार्य करने के लिए उत्प्रेरित होगा। आप सब साइंस के स्टूडेंट जानते हो, जब तक आप अपने माइंड को कमांड नहीं सौंपोगे वो कैसे काम करेगा? तो अपने माइंड को कमांड दो कि ये क्वेश्चन है भाई, आपको इसका आंसर बताना है और रब पे आप करो उसको, जो भी आपका कंक्लूजन लिखने क्या है, जो भी आपका आंसर निकल गया है या मैच कराओ 291.7 या फिर 316.52 या फिर 343.4 या फिर 158.26, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 291.7 मीटर पर सेकंड, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। करके देखना है बट ईमानदारी से, अगर नहीं करोगे तो अपने आप को धोखा दे रहे हो आप। वैसे आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आप अवश्य करोगे इसको। जिंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन, अभी आप क्या है वीडियो का या तो सो के देख रहे होंगे तो मूड कराओगे, चलो बाद में कर लेंगे, बाद में भी करके देखना बट देखना, ठीक है, क्योंकि आप वीडियो कोई तो बैठे बैठे देख रहा होगा, कुछ लेटे लेटे देख रहा होगा, तो लेटे वाले का मन तो नहीं करेगा कि हम वीडियो को चलो रोक के बैठ के इसको करें ना। बाद में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बैठ के देख रहे हो तो ईजिली कर लेना है, क्योंकि हमारे जो अधिकतर स्टूडेंट है वो नाइट में देखते हैं वीडियो, ठीक है, तो आप अपना देख लेना एनवायरमेंट जो भी हो, बट अवश्य करना उसको। जिंक के बारे, कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो कोशिश किया करो। जिंक के बारे में निम्नलिखित से कौन सा वक्तव्य सही है? जिंक एल्यूमिनियम से अधिक अभिक्रियाशील है, जिंक एल्यूमिनियम से कम अभिक्रियाशील है, जिंक फेरस से कम अभिक्रियाशील है। ये क्वेश्चन काफ़ी सारे जो काफ़ी सारे कंपटीशन एग्जाम है वहाँ पर पूछा जाता है। सो गाइस, आपको सहकृता श्रेणी इसके लिए याद होना चाहिए, सहकृता श्रेणी अगर वो याद है तो आपको सब कुछ पता है, ठीक है, सहकृता श्रेणी। सो गाइस, सहकृता श्रेणी पता है तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जिंक एल्यूमिनियम से कम अभिक्रियाशील होता है, क्या बात है, सही है।
ट्यू अबाउट जिंक, अगर आपको पता होगा अधिक अभिग्रहशील है या फिर कम अभिग्रहशील, आप बता सकते हो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो, ठीक है, क्योंकि मिस प्रिंट भी हो जाता है काफ़ी जगह। चलो आगे, परमाणु के बोर सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बोर थ्योरी ऑफ एटम? एकाध आयनिक हीलियम के स्पेक्ट्रम का कारण हाइड्रोजन का परिष्करण स्पेक्ट्रम दिया गया है, इलेक्ट्रॉन का एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदने की त्रिविम कल्पना, या फिर अधिक जटिल परमाणु में ऊर्जा अवस्था का पूर्वान लगाना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका गिव अकाउंट ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ सिंगल आयोनाइजन हीलियम, ठीक है। नेक्स्ट, और गाइज अगर क्वेश्चन कम लग रहे हो आपको तो जीके एमसीक्यूज एमके चैनल है आपके लिए, इसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है, ठीक है। इस पर भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, फॉलो कर लेना जाके। निम्न से कौन सी क्रिया स्वतः स्फूर्त नहीं है? निर्वात में गैस का प्रसरण, एल्कोहल का वाष्पन, गैस का निम्न दाब से उच्च दाब में गमन, जल में लवण का विलयन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गैस का निम्न दाब से उच्च दाब में गमन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस तत्व में प्रोटॉन की संख्या अधिकतम होती है? राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पोटेशियम, ठीक है। बेरिलियम ऐसे यौगिक बनाता है जो काफ़ी हद तक सहसंयोजी होते हैं क्योंकि इसकी समन्वय संख्या 4 होती है। बेरिलियम की विद्युत ऋणात्मकता मध्य उच्च हो, या फिर बेरिलियम की निम्न आयनन तापीय धारिता, या फिर बेरिलियम की उच्च आयनन तापीय धारिता और छोटा आकार। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बेरिलियम की उच्च आयनन तापीय धारिता और छोटा आकार, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।